कसम से गाइस मजा सा आ गया है। आप देखो इधर, अब हम लोग पहाड़ पे चढ़ाई चालू कर दिए हैं। सो गाइज, अभी हम फिलहाल दिल्ली से 550 किलोमीटर की दूरी तय करके और बस में 14 घंटे बिताने के बाद समुद्री तल से 2100 मीटर ऊपर आने के बाद हम पहुंच के फाइनली मनाली, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल और मेरे पास है विकास का कैमरा और विकास थोड़ा इधर उधर के नज़ारे मार रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसका कैमरा पकड़ के थोड़ा सा मैं कैमरे से व्लॉगिंग करता हूँ। वैसे आएगी तो नहीं, लेकिन करके कोशिश करता हूँ, देखता हूँ होती है कि नहीं। फाइंड करेंगे, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे और देखेंगे क्या क्या बढ़िया चीज़ें, क्या क्या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी हम लोग गेड़ी ला रहे हैं माल रोड के बॉयज इन मनाली। एक बार नज़ारे तो देखो गाइस आप। अरे भाई, और यहाँ से जो ही नज़ारा आ रहा है मानना पड़ेगा बात। तो हमने एक बंदे से पता किया कि हमें पहाड़ों के ऊपर जाना है, तो उनने हमें रास्ता बताया कि पुलिस ऑफिसर थे भाई वो पुलिस ऑफिसर थे। हाँ ठीक है, वो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस साइड से चले जाओ, थोड़ा सा आगे आपको पहाड़ मिल जाएगा। तो हम सब अब निकल दिए हैं उस तरफ की ओर और यहाँ ठंडी हवा बहते हुए मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। इधर लहरी मार रही है। तो फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, इधर से हमें रास्ता बताया गया है। तो आओ भाई जल्दी आओ, एक बार ये देख लो जरा। तो विकास, अभी हमें जल्दी, बहुत जल्दी है पहाड़ पे चढ़ने के ऊपर भाई, वही तो दिखाने वाली बात है। सो नीचे एक बुट्टे वाले भैया से पूछा हमने कि भैया ऊपर जाने का एक बार रास्ता आप भी बता दो, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से सीधे जाके और एक चौक आएगा, वहाँ से राइट ले लेना। तो अब हम लोग चल दिए हैं, अभी तो फिलहाल सीढ़ी पे हैं। हम सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं और चौक से राइट लेना है हमें, और पहाड़ दिख तो बहुत दूर रहा है, लेकिन तय करते हैं रास्ता ये भी और चलते हैं ऊपर। अभी बोला जाए तो अपन दिल्ली के जीते हैं, फुल के जीते हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई क्या कह दिया ये तूने, हम एमपी से भाई, हम तो एमपी। हम लोग अभी जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल और हम आपको हडिम्बा टेम्पल भी चल के दिखाते हैं ऊपर, क्योंकि वो पहाड़ों के पास ही है। तो चलिए, हडिम्बा टेम्पल यहाँ से लेफ्ट, और अब हम आ गए हैं डेस्टिनेशन के करीब। आप लोग देखिए ना, पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो चुका है और ये देखो पूरा ऊपर पहाड़ी पहाड़ है। तो देखा यहाँ पे लिखा हुआ है हडिम्बा हडिम्बा, तो हम भी आएंगे हडिम्बा हडिम्बा और आपको दिखाएंगे हडिम्बा हडिम्बा। ये रहा हमारा बर्फीला पहाड़, मन तो कर रहा है कि यहीं चले जाए। कसम से गाइस मजा सा आ गया है। अब हम लोग पहाड़ पे चढ़ाई चालू कर दिए हैं और आप मेरे साथ आगे चलो मेरे पीछे। अरे कोई भी बोलेगा गाइस, जो लिटरली लाइफ का मजा है ना इस पहाड़ को चढ़ने में, और भी चढ़ रहे हैं, मतलब चाहे आप थकना भी जिम करो यार, मजाक चढ़ के 1 किलोमीटर की ट्रैक में आप थक जाओगे। और ट्रैकिंग हम देखो ये इतना से यहाँ से करते हुए आ रहे हैं, देन उसके बाद आपको मिलेगा हडिम्बा टेम्पल। तो मैं सांस ले लूँ, मैं अभी दीदी से पूछो कि कितना चढ़ा, जितना चढ़े उसका इंटू 2 टाइम्स और चढ़ना है, यानी हालत खराब होने वाली है फुल। अब टेम्पल में मिलते, अब डायरेक्ट आपको मिलता हूँ मैं टेम्पल पे। गाइस मुझे इसमें चैलेंज दिया है, फाइनली इतनी चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने टेंपल पे। तो अब चलते हैं इसके ऊपर, चलो। हडिम्बा टेम्पल से टेक ऑफ कर चुके हैं और ऊपर के लिए, और
ऊपर जाएंगे और हम इससे भी ज्यादा ऊपर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी भीड़ है, सब वादियों में जाना चाहते हैं हमारे जैसे, और हम भी वादियों में जाना चाहते हैं बिल्कुल ऊपर। और एक बार यहाँ की हरियाली देखो आप, एक बार देखो बस इसे आप, जिसे कहते हैं प्योर नेचर, इसे कहते हैं प्योर नेचर। और अब हम ऊपर चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं। ये लो याक, मजा आ गया इस मनाली घूम के, मतलब एक तरह से अभी तो घूमे भी नहीं है तब भी इतना मजा आ रहा है। और ये दीदी थोड़ी डर सी रही हैं, इधर फोटो शूट हो रहा है इनका। और अब हम यहाँ से और ऊपर जाने वाले हैं और आनंद ले, सीधे ऊपर जाएं और वादियों के मजे लें। बस हम अपना और ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, ये देखो सामने से बस आ रही है। ओ सुल्तान कर दे चढ़ाई। नहीं ये देखो एक बार, किस चीज के पहाड़ है ये, बर्फ के। ये देखिए बर्फ गाइस। और हम अभी यहाँ पे हैं, कसम से मजा सा आ गया बर्फ देख के, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, रुको। ये देखो ये मैंने ऐसे हाथ डाला, ये देखो, वाह वाह वाह। हमने सोलांग वैली की बात की है, मतलब एक भैया से वो हमें सोलांग वैली लेके जाएंगे, और फिर वहाँ तो पता ही आपको बर्फ का क्या सिस्टम है। अभी तो फिलहाल चलते हैं, भी आगे इसके आगे भी चलना है हमें, तो चलिए आगे इससे। तो जिस उम्मीद से आए थे हमें बर्फ देखने को तो मिली नहीं इतनी पास से, क्योंकि जाली लगी हुई थी और जाली को हम क्रॉस करके नहीं जा सकते थे, क्या पता कोई फिर फूलता सीधा बोल दे या फिर मन नहीं कर दे, तो फिर हमें भी बुरा लगेगा और उसे भी बुरा लगेगा। तो कल का तो प्लान पक्का ही है, कल तो जाना ही जाना है सोलांग वैली, और वहाँ पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ के अलावा कुछ है ही नहीं। तो अभी तो फिलहाल और आगे चलना है अभी हमें, तो बने रहिए हमारे साथ और चलते रहिए हमारे साथ साथ आगे। सरकारी स्कूल वाली इनकी हरकत गई नहीं है, टपमबाजी कर रहे हैं यहाँ पे भी ये लोग। और अब हम लोग पूरा घूम घाम के फाइनली, अब कहाँ जा रहे हैं पूरा घूम घाम के, घर रूम अपने। अब हम लोग जा रहे हैं रूम रूम पे, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, विकास भाई बताएंगे। विकास भाई टेम्परेचर डाउन तो बता नहीं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी है। अच्छा उसका मतलब अभी तक तो सेम होता था। हम अनपढ़ है भाई, साथ ही क्लास। अब यहाँ से हम जाएंगे रूम पे, रेस्ट करेंगे जी भर के, देन उसके बाद कल निकलेंगे सोलांग वैली के लिए। एडिटिंग कौन करेगा, जी भर के रेस्ट करेगा। हाँ हाँ सॉरी, एडिटिंग करके आपको कल 8:30 बजे मिलेगी इससे पहली वाली ब्लॉग, जो मैं डाल नहीं पाया था डिले होने के चक्कर में, देन उसके बाद ही मिलेगी आपको ये परसों ब्लॉग। तो अब हम लोग क्या कहते हैं दर्शन करके कहाँ जा रहे हैं विकास, रूम पे होटल, हम रूम पे जा रहे हैं और सीधे रूम पे जाके आपसे मिलते हैं। आप देखो जिस रास्ते से आए थे हम उसी रास्ते से आते, जिससे आते उसी से वापस जाते हैं भाई। अच्छा सॉरी, क्या मतलब क्लिप लंबा करने की ज़्यादा टेक्निक चला रहा है तुम। इतना बहुत तो चलता है यार। तो अब मैं आपको मिलता हूँ सीधे नीचे जाके, ठीक है। हाँ ठीक है। सो हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं मॉल रोड, ये मैं कर रहा हूँ व्लॉग एंड। अभी बज रहे हैं 12:47 टाइम हो रहा है, और विकास ने अपनी वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट पे लगा दी है, और सुमित जगा हुआ है, चैतन्य भाई हमारे सो गए हैं फिलहाल। अभी मैंने आपको रूम पर टूर नहीं करवाया था, तो मैं आपको रूम पर टूर करवा देता हूँ, देख लो भले रात हो रहा है तो क्या हुआ। लेकिन अब ये रहा टीवी हमारा, और ये एक बेड था डबल बेड जिसपे 3 घोड़े लदे हुए हैं, और ये हमारे लगेज, और इधर हमारा बाथरूम था। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छी लगा हो तो ये व्लॉग था यहीं तक के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे जो भी मनाली के और भी मैं वीडियो डालूंगा, 2-3 ब्लॉग डालूंगा वो भी आने वाले हैं, तो उसमें तो और मजा ही आने वाला है। क्योंकि ये तो बस अभी हम मॉल रोड के साइड घूमे थे, और जो ऊपर का पहाड़ था वो थोड़ा मैंने क्लाइम किया, देन उसके बाद अभी और भी सोलांग वैली भी जाना है हमें,
तो वहाँ पे तो पता ही है पूरा बर्फ का सीन है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।